अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं समीशा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बताने के लिए ऑप्शनल के हवाले से मुझसे कहा जा रहा है कि मिस जो आपने ऑप्शनल बताए हैं इसके अलावा क्या हम कुछ और रख सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, जो बाकी के ऑप्शनल हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पार्ट्स, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, एक्सटर्नल रिलेशंस, मॉडर्न वर्ल्ड के डायनामिक्स इश्यूज, और इसके अलावा अल्लाह भला करे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू में था, मैं कहती थी कि रेकमेंड कर रही थी उस वक्त, लेकिन मसला ये हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी पेपर आ रहा है वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, कुछ भी सवाल आपके बुक में से नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि जितने भी मैंने सब्जेक्ट के नाम बताए ये सब करंट इशूज़ हैं। अब करंट इशूज़ में यूक्रेन चल रहा है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, अमेरिका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात थोड़े से अनस्टेबल हो चुके हैं। अब जो सवाल बन के आ रहा है, अगर आप स्टेबल देखें तो अफगानिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, अफगानिस्तान की आज़ादी के बाद फ़ौज का रद्द अमल, यानी कि कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जो अनबीटेबल है। यानी कि मेरे लिए भी करंट इशूज़, जो बंदा करंट इशूज़ नहीं पढ़ेगा वो ये पेपर्स नहीं कर सकता, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं कर रही। अब आ जाते हैं मेरे रेकमेंड किए हुए पेपर्स की तरफ। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी न्यू नहीं है, आप जस्ट पढ़ के जाओगे, देहाती की ज़िंदगी है, शहर की ज़िंदगी है, माइग्रेशंस है, यानी कि नॉर्मली अच्छे खासे सवाल हैं, तो वो ईज़िली हो जाते हैं, बिना पढ़े पेपर हो जाएगा। दूसरा इंटरनेशनल लॉस, मुझे कहा जा रहा है मैम इसका सिलेबस लेंथी है, बहुत मुश्किल है, लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से सुन रखा है। देखिए इंटरनेशनल लॉ हिस्ट्री है, हिस्ट्री कभी भी चेंज नहीं होती, दो कौमी नज़रिया कभी भी चेंज नहीं होता, करारदादे मकासिद कभी भी चेंज नहीं होती, तो सेम इंटरनेशनल लॉ है। और इंटरनेशनल लॉ इतना आसान है, इतना आसान है कि मुसलसल मुझे पढ़ते हुए कोई 4 साल हो गए इसे। मैं अपने लिए नहीं कह रही, आप लोगों के लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि इसके सवाल तब्दील नहीं होते और ये चेंज नहीं होगा, इसके सवाल वही आएंगे जो मैं बता दूँगी। अगर तस्लीम बता दें, मंजूरी बता दी, या दोहरी शौरियत बता दी, तो डबल नेशनैलिटी, तो अगर ये वाले क्वेश्चंस मैंने बता दिए तो ये पेपर में आएंगे सेम टू सेम एज इट, यानी कि इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछेगा। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखें, UNO दोबारा चेंज नहीं हो सकती, ECO चेंज नहीं हो सकती, OIC चेंज नहीं हो सकती, वो अरब लीग जो पहले गुजर चुकी है वो नहीं चेंज हो सकती, यानी कि उनके मकासद हमें पता होना है, वही मकासद सबके सबके सेम है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कर लेंगे सेम, वही मकासद सबके होते हैं, फलाह बहबूद लाना, सकाफ़ती भलाई करना, खत्ते में अमन अमान करना, ये सब सेम किट सेम के सेम टॉपिक्स हैं, सबका स्ट्रक्चर सेम है, सबके मकासद सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत ये है कि उनकी डेट याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अगर डेट नहीं याद करते ना करें, मैंने आज तक नहीं की किसी की, ठीक है। तो इसलिए बहुत आसान है ये सब्जेक्ट जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ। रिसर्च का तो पेपर बहुत ही आसान है, जिसका जो सरगोधा यूनिवर्सिटी वाले हैं, पंजाब वाले हैं, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वाले हैं, अगर जिनके पास सिलेबस की लिस्ट में ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं तो आप इनको आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये 4 में से आप सिलेक्ट करें। प्लीज़ प्लीज़ बाद में मत आना, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पार्ट्स के बच्चे के आज मैंने नोट्स बना के दिए, कल उसका पेपर, एक्सटर्नल वालों का पेपर का गैस लगाया था बड़े मुश्किल से, बड़ा मुश्किल हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फिर आने वाला है, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब अगर मेरे लिए नोट्स मेकिंग करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए गैस लगाना बहुत मुश्किल है, तो आप ये सोचें कि आप लोगों का जो सिलेबस में है ही नहीं, जो बुक में है ही नहीं सवाल, वो उठा के आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे आप लोग, फिर मुझसे कहेंगे मिस आउट ऑफ सिलेबस आया। आउट ऑफ सिलेबस आने की वजह यही है क्योंकि वो बदलते हुए हालात के मुताबिक है, जो चीज़ मतलब कंटेम्प्रेरी हो उस चीज़ को कभी भी सिलेक्ट ना करें, कभी भी सिलेक्ट ना करें। पॉलिटिकल साइंस ऐसा है जो करंट इश्यूज़ पर होता है, जो करंट सिचुएशन के मुताबिक उनके सवाल आते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट मत उठाएं ऑप्शनल में। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रेकमेंड किए हुए ऑप्शनल उठाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने नोट सेल करना चाह रही हूँ, अपने गैस सेल करना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है। इसके लिए ये पीछे लॉजिक्स हैं कि इनको चेंज नहीं कर सकते, इनका बना बनाया सिलेबस है, इनका जो चीज़ें हैं वो एक जैसी रहेंगी, ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते। लाइट जा चुकी है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर पल्ले पड़ गई है बात तो काफ़ी है, अदरवाइज़ वो फिर कहते हैं ना भैंस के आगे जितनी मर्जी बीन बजा लो, करनी तो भैंस ने अपनी ही है। आप लोग भी वैसे के वैसे हैं, जितनी मर्जी मैं शोर में चालू आप लोगों ने अपना ही करना, और पेपर्स के दिनों में आप लोगों ने आ जाना है मेरे पास, मुझे पता है। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।